चलो आप पैसा नहीं, आप पैसा भूल जाओगे क्योंकि हम ब्याज सहित पैसा लेंगे, हम ब्याज सहित पैसा लेंगे। आप सभी को ब्याज सहित पैसा लेना है ना। अब आपको हम बता दे, मैडम आपको बता दे कि देश में नसीम भाई, देश में 20 साल पहले एक कंपनी थी गोल्डन फॉरेस्ट, उसको 1999 में बंद किया गया था। 1999 में बंद किया गया था। अक्टूबर 2018 में उसके आवेदन मांगे गए और आज भुगतान आने लगा। बीस साल बाद अब आगे सुनेंगे तो हवा निकल जाएगी। उनका जो जमा पैसा था, उस जमा पैसे से 70% मिला, इसका 1,000 रुपए जमा था और इसको मिला कितना, 700। कितने लोग इस प्रकार का पैसा लेना चाहते हैं? कितने लोग लेना चाहते हैं भाई? कितने लोग जो केवल मूलधन या मूलधन से भी कम लेना चाहते हैं, कितने लोग हैं? कोई नहीं। गर्मी तो नहीं लग रही है? तो भाई उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए नातेदारी रिश्तेदारी ये सब त्यागना पड़ेगा। यो नहीं देखना पड़ेगा कि ये हमारा भाई का साला है, कि ये मामा है, कि ये बुआ है, कि फूफा है, ये छोड़ना पड़ेगा। अगर तैयार हो तो बताओ और नहीं उठ के अभी चले जाओ, समय बर्बाद नहीं करो। क्योंकि मैंने अपना रूप हमने बताया था चुनाव के पहले कि चुनाव के बाद में जो फिल्म होगी वो इंटरवल के बाद वाली होगी, गंभीरता वाली होगी, त्याग वाली होगी और मान और सम्मान की होगी। हमारे भी सम्मान है, आपका भी सम्मान है, कि केवल उन व्यक्तियों का ही सम्मान है जो यहाँ पे टॉप सीनियर बना रहता था, जो केवल अधिकारियों के बगल में बैठता था, आज वो यहाँ पे गायब है। उसका कारण मेन आप और हम हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनियों से मोटा माल ले रखा है, उनके नाम प्रॉपर्टियां हैं। क्या सरकार अपनी जेब से कभी देती है? जिस दिन सिलेंडर महंगा होता है, हैं? चुनाव हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, हैं? पेट्रोल बढ़े, चीनी बढ़ी, क्या कोई अपनी जेब से देता है? हैं? आज उज्जवला योजना जो चल रही है वो क्या मोदी जी अपने, मोदी हो चाहे राहुल हो चाहे इंदिरा गांधी हो, कोई अपनी जेब से देगा? केवल पहली बार तो 1,000 रुपए का सिलेंडर पकड़ा दिया, उसके बाद में हर साल तो हर महीने तो आप ही को भराना है, हैं? ये तो लाली पाप है। तो भाई ये भी जुमलेबाजी और वो भी लाली पाप और ये भी लाली पाप था। अगर भाई ब्याज सहित पैसा लेना हो तो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलो, नहीं मिला के चले हो ना, नहीं चले हो। अभी 3 दिन पहले बहुत, मैं साफ बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ और सामने बोलता हूँ, तुम्हारी हम दूसरे से बात नहीं करेंगे, तुमसे करेंगे। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने 36 घंटे एक लोगों के घर का घेराव किया था। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने पूछा था? 2 या 3 लोगों को छोड़ के, ये कंधे से कंधा मिला के होती है बात? कितने लोग नए वाले ग्रुप में जुड़े हुए हो और कितने पुराने वाले ग्रुप में जुड़े हुए हो? लगभग सभी लोग जुड़े हुए हैं लगभग, और सब लोगों को जानकारी गई है। तो सर भाई गई नहीं है, मालूम करना चाहिए ना, मालूम करना चाहिए कि नहीं भाई साहब? एक मिनट भाई साहब, के यहाँ लड़के का तिलक है, शाम को पार्टी चलनी है, हा? घर कोई जानता है? नहीं जानता है। पर भाई साहब कोने पे खड़े, भाई साहब कहाँ पे आना है ये बता दो। कल्याणपुर आना है, कल्याणपुर पहुंच गए भैया, बस पुलिया के बगल में, भैया पुलिया आ गए, अब बता दो फलाने गेस्ट हाउस में। कैसी बात करते हो यार, क्या खिलवाड़ कर रहे हो विकास त्रिपाठी के साथ, है?
अनीस भाई गलत कह रहे हो तो बता दो, आपसे हम नहीं कहेंगे, आप निवेशक हो, आते हो, बहुत बड़े आभारी हैं। पर जो मेरा कार्यकर्ता जो ईएम था और ताना यहाँ पे सीना फूल के बैठालता था कि यार कुछ नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, आज वो नजारत है। आज उन्होंने हमको एक बार भी नहीं फोन करके पूछा है, शर्म आनी चाहिए। अगर इसी जगह आपका बच्चा कहीं फंसा होता 36 घंटे ना आता। सबको कसम है, क्या आप लोग चिंता नहीं करते? मेरे बाप ने 3 बार फोन किया। क्यों किया भाई? क्योंकि मैं उनकी औलाद हूं। देखो झूठ ना बोलो कि यार भैया हो तुम, हमारे भाई हो, छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, बेटे हो, क्या 36 घंटा कोई बेटा भाई तुम्हारा दूर हो जाए तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है? पर पैसे मिल जाएंगे, आड़ में जाए बिका त्रिपाठी पागल है, बेवकूफ है, लगे रहो यार पैसा शायद मिल जाए। सब लोग देखो मतलबी हो और मैं भी मतलबी हूं। पर वो मेरा मतलब पर्सनल काम नहीं था, वो उसमें आप सब लोगों का था, समझे बहन जी? हंसी तो वो मेरा पर्सनल काम नहीं था, मेरे घर की दीवार नहीं उठवानी थी जो हमने बुलाया था। दबाव बनाने से बनता है। आज देश के प्रधानमंत्री को लेटर डाल रहे तो क्या हमारा पैसा मिल जाएगा? जन सूचना अधिकार के 35,000 मैंने यहां से लेटर भेजे, जिन्होंने फॉर्मेट मांगा है आज तक कॉपी नहीं दी, 1.5 साल होने जा रहा है। शर्म आनी चाहिए, 50 रुपए का काम था। फिर मैं बोल रहा हूं कि बिना लीगल लड़ाई के जिन लोगों ने अभी तक अपने सीनियर के नाम पते नोट नहीं किए हैं वो नोट करें, मोबाइल नंबर लें और प्रतिदिन फोन कर के ये पूछें हमारा पैसा कब मिलेगा। अगर वो कह दे नहीं मिलने वाला है तो आप उस चीज को रिकॉर्ड करें, उसके बाद हमसे 50 रुपए का फॉर्मेट लें, एफिडेविट बनवाएं और उस पर उसके साइन करवाएं, ठीक? ये मैंने पिछले संडे को बोला था। कितने लोगों ने अपने अपने सीनियर से पूछा, बात किया किसी ने? 2 लोगों ने। समस्या यहां पे है। अब ये चीज कैसे निपटे? क्योंकि आपको हम बता दें, पैसा जो हमारा है, आज कंपनी के पास बहुत पैसा है, कंपनी आज भी कई फर्में चल रही हैं, जो भंगू साहब हैं जेल में, जिसके पास पैसा होता है एसी भी रूम मिल जाते हैं, भाई बताते हैं, है ना, पैसे में ये दम होती, हम कभी गए नहीं हैं पर अब जाने वाले हैं, देख आएंगे, बताते हैं पैसा होता है, पूरी सुख सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वो आज भी ऐसे जी रहे हैं। हमारा यही मतलब है कि इस चीजों को रुकावट हो और जल्द से जल्द ऐसा दबाव बने जो हमारा सीनियर है। कितने लोग जब कंपनी चल रही थी कितने लोग हेड ऑफिस दिल्ली गए हैं, कितने लोग गए बताइए? जब हेड ऑफिस चल रहा था कितने लोग दिल्ली गए? क्यों नहीं गए भाई? क्या आप पैसा नहीं जमा करते थे? आपका सीनियर आपको ही रिपोर्टिंग देता था कि नहीं, वही मान लेते थे, इसलिए तो नहीं दिल्ली गए आप, हैं? सम भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो आज हमारा आपका फर्ज नहीं बनता है? तिवारी जी गलत तो नहीं कह रहे भाई? लड़की और लड़के का एक संबंध होता है तो उसका बिछवानी होता है ना, और जरा सी बात बिगड़ती तो पहले बिछवानी ही तो बुलवाया जाता है। हमारे और आपके बीच में वो टॉप सीनियर था, था कि नहीं, जो दिल्ली की सूचना हमको देता था। और जब भी अगर दिल्ली जाने की इच्छा रखो तो कहा जाता था अरे तुम लोग परेशान ना हो, क्यों? क्योंकि उनकी कहीं पोल ना खुल जाए, यही तो मतलब है। आज भी खरबों रुपए ये लोग कंपनी का लिए बैठे हुए हैं, खरबों रुपए। 1 साल की मैच्योरिटी यहीं से निपटाई जा सकती है।
मैं तो अपना ब्याज सही पैसा लूंगा, आपको बता दें कैसे लूंगा।